खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। विकास कार्यों में लगा भ्रष्टाचार का घुन, जिम्मेदार बेखबर। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के तहसील नवाबगंज व ब्लॉक मसौली का है। ब्लॉक मसौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसा में इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने का पैसा निकाल लिया गया, तब भी नहीं कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य। तो जानकारी के लिए बता दें, ग्राम पंचायत बांसा में सफदरगंज मार्ग पर बने प्राइमरी स्कूल के पास से क्षतिग्रस्त खड़ंजा होने की वजह से कुछ ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र ब्लॉक स्तर पर दिया था, जिसका प्रस्ताव मंजूर हुआ और उस मार्ग का पैसा भी निकाल लिया गया, तब भी इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य आज भी नहीं हुआ, वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं ज़्यादा बारिश होने पर क्षतिग्रस्त खड़ंजे के ऊपर जल भर जाता है, जो बगल में बने प्राइमरी स्कूल तक जाता है, और पानी भर जाता है, जो कि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बारिश का पानी क्षतिग्रस्त खड़ंजे पर जमा हुआ है। तब भी जिम्मेदार बेखबर हैं, और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों के घरों तक भी पानी भर जाता है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी। शिकायत होने के बाद बिना जांच किए ही सीएम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट लगा दी जाती है कि प्रकरण के संबंध में लगाए गए वित्तीय वर्ष 2023 व 2024 की कार्य योजना में सम्मिलित है, किंतु अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकासखंड मसौली के अधिकारियों द्वारा जांच आख्या में बताया कि 2023 व 2024 का प्रकरण है, परंतु इस इंटरलॉकिंग का पैसा जो निकाला गया है, वो पैसा वित्तीय वर्ष 2022 व 2023 पर नेट पर फ्लैश हो रहा है, जो कि स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंटरलॉकिंग के नाम पर कितना पैसा निकाला गया है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद शासन और प्रशासन इस प्रकरण पर क्या कार्रवाई करता है, या जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ खानापूर्ति ही की जाएगी। देखिए जनपद बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। आप कहाँ के निवासी हैं? बांसा शरीफ। आपका पंचायत क्या है? ये गांव का नाम क्या है? मोहल्ला गढ़ी। गांव का नाम क्या है? बांसा शरीफ। ये एरिया कौन सा कहलाता है? मोहल्ला गढ़ी। तो ये जो खड़ंजा लगा है, ये कितने वर्ष पूर्व लगाया गया था? लगभग 20 साल पहले लगा था, हम लोग के बचपने में। हाँ, हमारे लोगों ने किया। तो इंटरलॉकिंग कार के लिए आपने अप्लाई किया या नहीं किया? इंटरलॉकिंग करा जो है, अप्लाई का जो है, मान लो अप्लाई बहुत बार किया गया है। इधर जब बारिश हो रहा है, तब जो है प्रधान से ना मालूम कितने बार कहा गया कि जो उन्हें भैया इका कुछ व्यवस्था बना दो, तो उन तो सुनिन नहीं, तो इंटरलॉकिंग कार लगेगी। तो इंटरलॉकिंग के बारे में जब अप्लाई किया था, तो उसका पैसा पास हुआ या नहीं पास हुआ, पता किया आपने? हाँ, इसका पैसा पास हुआ है, 2-2.5 साल हो चुके हैं, वो पैसा निकल चुका है, लेकिन इंटरलॉकिंग नहीं लगी है। प्रधान जी का नाम क्या है आपके? राम सिंह। निवासी कहाँ के हैं? बांसा के हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में आप जो है, मान लो जिसे पैसा निकल चुका है, तो इसका जो है ये लगना चाहिए, और क्या। और बारिश में इसकी स्थिति क्या रहती है? बारिश में पानी की निकास नहीं है कहीं भी। लमसम कितना पानी भर जाता है? इतना पानी भर जाता है, कमर ले ले पानी होता है। बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत जब बहुत जो है, ये जो इतने बच्चे माँ जो है निकलते हैं, बताओ जो है कोई अलग अगर खसक जाए तो ये रही है। और इस क्षेत्र इस पंचायत प्रधान जी के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? अपने गाँव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गाँव के बारे में यहाँ का जो है, मान लो अब जैसे जो है सब महल्ले वाले ना मालूम कितने बार कह चुके हैं कि भैया जो है पन्नी में यहाँ रह रहे हैं, और जो है भैया कोई व्यवस्था बना दो, तो उन तो जो है कॉलोनी के यहाँ कॉलोनी आवत हैं, सब इधर उधर जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है कोई कॉलोनी का नामा ही निशान नहीं है। और ये जो इंटरलॉकिंग का कार्य है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक गई है? जैसे ये सफदरगंज मार्ग है, ये यहाँ से लेकर वहाँ कुर्बान मास्टर है, 300 फीट नापा गया है ना? 300 फीट इसकी नपाई हुई थी, 300 मीटर इसकी नपाई हुई थी सफदरगंज मार्ग से। आखिरी वाला घर किसका था? कुर्बान मास्टर के घर तक दूरी लगभग 300 मीटर हुई थी, और इसका पैसा पास हो गया आपके कहने के अनुसार, और अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया, कुछ नहीं। विकास खंड आपका क्या लगता है? जिला क्या है आपका?